हम लोग तो शुरू से मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि परिवार के बाहर कभी सोचा ही नहीं, उनके लिए सारा राजनीति अपना परिवार और बाल बच्चा है। बिहार के लोगों से उनको कभी कोई मतलब नहीं रहा। और इस बार एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि इस बार 4 तारीख को जो है जो डायनेस्ट पॉलिटिक्स है परिवारवादी पॉलिटिक्स में ताला लग जाएगा। जनता इस बार सबसे बड़ा जो मैंडेट देगी वो परिवारवादी पॉलिटिक्स पे ताला लगाएगी जनता इस बार। पीआर और मैं हूं आपके साथ खुशी सिंह। पूरे देश भर में छठे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और अब सातवें चरण का चुनाव 1 जून को होना है। बता दें कि इसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयारियों में जुटे हुए हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी बिहार दौरे पे हैं और बिहार में 3 ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। बता दें कि इसी क्रम में कल राहुल गांधी भी बिहार दौरे पर थे और बिहार दौरे पर उन्होंने पाटलिपुत्रा में जनसभा संबोधित किया। पाटलिपुत्रा में जनसभा संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी प्रत्याशी मीसा भारती के समर्थन में वोट की अपील की लोगों से और बता दें कि इनके साथ तेजस्वी यादव भी मंच पर मौजूद थे। इसी क्रम में जब संजय झा से ये पूछा गया कि राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए बिहार दौरे पर थे तो उन्होंने बोला कि आखिरी चरण का चुनाव है, बिहार दौरे पर आने से क्या फायदा। ये तो सही बात है कि खड़गे साहब को तो बलि का बकरा बनाएगा ही। अब देखे ना किस तरह कल आया है, पूरा जब चुनाव खत्म हो रहा है बिहार में तब वो प्रचार करने के लिए यहाँ पर आया है। और अल्टीमेटली अब तो देख रहे हैं ईवीएम से लेके किस किस पर गाज गिरेगा इस रिजल्ट के बाद, उसकी अब तैयारी हो रही है। जब 4 को रिजल्ट आएगा और एक मैसिव विक्ट्री के तरफ NDA जा रहा है तो ये सब आपको दिखाई। अभी ईवीएम भी आएगा, अभी तो यही आया है, EBM गड़बड़ है, अभी ये भी आएगा। इसलिए कभी भाई बहन पर तो कभी बात आएगी नहीं, तो यही है अल्टीमेटली खड़गे साहब को इन लोग बलि का बकरा बनाएंगे। राहुल गांधी ने कहा है आरा में कि इंडिया गठबंधन के सामने 2 समस्या है, एक है वो बेरोजगारी और दूसरा अमीरी गरीबी। कांग्रेस इन दोनों का समस्या को लेकर सोचिए, जिनकी दादी ने कहा हो गरीबी हटाओ, उनकी दादी थी ना इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा था गरीबी हटाओ। और आज उनका पोता भी 40 साल 50 साल के बाद ये बात बोल रहा है। 40 साल 50 साल में जो उनके ग्रैंड मदर ने, दादी ने स्लोगन दिया था, इतना दिन में नहीं कर पाए, अब ही बैठ करके ये कर लेंगे। तो ऐसे ही स्लोगनिंग वाले लोग हैं, इनको भी पता है कि क्या रिजल्ट होने वाला है जब फाइनली 4 को रिजल्ट आएगा। इसलिए हमको नहीं लगता है कि अपना आकर के अपना भाषण दिए, पूरा चुनाव खत्म हो गया ना, तब नहीं आए हैं अभी वहाँ पर। सर एक सवाल है, लालू यादव आज अपनी बड़ी बेटी रोहिणी मीसा भारती के लिए चुनावी प्रचार में जा रहे हैं, इससे पहले रोहिणी आचार्य के लिए प्रचार में निकले थे और बाकी किसी भी प्रत्याशी के लिए वो बाहर नहीं निकल रहे। हम लोग तो शुरू से मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि परिवार के बाहर कभी सोचा ही नहीं, उनके लिए सारा राजनीति अपना परिवार और बाल बच्चा है। बिहार के लोगों से उनको कभी कोई मतलब नहीं रहा। और इस बार एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि इस बार 4 तारीख को जो है जो डायनेस्ट पॉलिटिक्स है परिवारवादी पॉलिटिक्स में ताला लग जाएगा। जनता इस बार सबसे बड़ा जो मैंडेट देगी वो परिवारवादी पॉलिटिक्स पे ताला लगाएगी जनता इस बार। मोहन यादव कल बिहार आए थे और उन्होंने कहा कि जो सवाल खड़े कर रहे हैं उनका गठबंधन किन लोगों से है, मांझी जी से है, दोनों लोजपा से है। कौन बोल रहे थे? मोहन यादव। अब मुझे उनका स्टेटमेंट मैंने नहीं देखा, मुझे आइडिया नहीं। संजय बाबू, ईवीएम के पे उन्होंने कहा कि लोग ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं कि ईवीएम हैक है, तो ईवीएम भी सामने रखा जाएगा, जीत हमारी होनी सुनिश्चित है। ईवीएम के बारे में भी खुलासा होगा कि ईवीएम पे कौन हैक कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी बिहार दौरे पर थे, इसको लेकर पक्ष ने भी बड़ा तंज कसा था, कहा था कि बिहार दौरे पर होने से अब क्या फायदा, 6 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है, 7वें चरण में बिहार आने से क्या फायदा। बिहार की जनता ने मन बना लिया है और अब मन की बात है कि NDA को वोट देंगी और 40 की 40 सीट पर NDA विजय पाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष क्या कुछ कहती है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ PR के साथ।